तो मैं एक चीज यह आपको कह सकता हूं कि गड़े मुर्दे वर्तमान समय के भविष्य पे कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि वो इतिहास बना और इतिहास खत्म हो चुका था। और मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी तो इसके लिए दोषी है नहीं कि समाजवादी पार्टी बड़ा साफ सफाई दे, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि आपने डिबेट में बैठाया है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 92 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। ये बात ठीक है कि 4 बार हमने भी सरकारें चलाई, 4 बार बहन जी ने भी चलाई सरकार, कांग्रेस ने भी चलाई, लेकिन इसके बावजूद इस दोरिज्म से पहले दो जो है 2 बार सरकार बीजेपी की भी भारतीय जनता पार्टी ने भी ठीक है। चलाई, हाँ बीजेपी की सरकार है। मैं ये पूछ रहा हूं, राजनाथ सिंह जी को क्या डर था और हमारे उनका क्या नाम है वो कल्याण सिंह जो हमारे देखिए एक और हमारे कल्याण सिंह, कल्याण सिंह का क्या डरपोक आदमी समझते थे क्या आप उन्हें? कोई मानेगा कि कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह डरपोक आदमी हैं? आखिर इन लोगों ने क्यों नहीं लाया और आज ही ये क्यों लाया जा रहा है? अच्छा, ये जब रिपोर्ट गोपनीय थी तो इस सरकार को कौन सी चीज ऐसी पता थी कि हम ले आएंगे तो क्या इनको फायदा होगा या उनको घाटा होगा? और आप जिस समाज को दोषी करार दे रहे हो और प्रशासन को एकदम क्लीन चिट दिला रहे हो, जरा पूछिए उन परिवारों से जो पुलिस बहनों में चार चार छह छह लोग गए थे उस समय और लापता हो गए आए नहीं, वो कौन थे? नहीं कपीश जी, ये कौन दिला रहा है और भाई? चार साढ़े 400 भाई लोग तब हलाक हुए। सक्सेना आयोग आयोग के रिपोर्ट है ना, तब तब के जो मैं आयोग गठित हुई है उसी ने रिपोर्ट दिया है ना, मौजूदा सरकार यही ने तो तो नहीं मैं दी कह रहा रिपोर्ट। हूं। अरे आदरणीय मित्र, मैं कहां कह रहा हूं कि गोधरा की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम गोधरा की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं और ना उसे लागू करने की बात कह रहे हैं कि उसको जरा वो जो ट्रेन जलाई गई थी और नीतीश कुमार सरकार ने बैठाई थी एक जांच, उसको भी आप जरा लेते आओ, है ना, माया कोडनानी वाली भी जांच ले आओ, वो तो दोषी सिद्ध है। ठीक है लेकिन मैं एक चीज ये सिर्फ कह रहा ठीक हूं है। कि हाँ इस सरकार को ये कैसे पता था कि ये रिपोर्ट आएगी तो किसके पक्ष में होगी और किसके विरुद्ध में होगी? यानी कि ये सरकार क्या रिपोर्ट लिख कर चुकी थी ठीक कैबिनेट है में स्वीकृत होने से पूर्व? ठीक है। ये मैं एक विधिक प्रश्न पूछ रहा हूं नहीं, और निश्चित मुरादाबाद की तौर पे बात मैं करें तो हाई ठीक है, कोर्ट का बाकी मैं सहारा मान भी लूंगा। मैं आता हूँ कपीश जी। कपीश जी वापस आता हूँ, एक राउंड में सबके पास मैं चला जाऊँ, बहुत सारे मेहमान हैं हमारे साथ, वैभव त्रिपाठी भी मौजूद हैं। वैभव साहब, ये रिपोर्ट सार्वजनिक तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, 1983 में हो जानी चाहिए थी, सच्चाई सबके सामने आ जानी चाहिए थी। जब जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट जब आ गई थी 1983 में, तभी इसके बारे में लोगों को पता हो जाना चाहिए था। अगर तब ये पता हो जाता कि भाई जो डॉक्टर शमीम अहमद खान है वो करता धरता था, उसने साजिश रची इस दंगों की, तो इतनी सियासत और इस पर बहस 43 साल के बाद आज नहीं हो रही होती। कुंदन जी, अनिला जी कह रहे थे कि असत्य उजागर करना, उनको जरा सा कुछ सत्य योगी सरकार के भी उजागर कर लेने चाहिए। सोनभद्र में एक पत्रकार ने इनका सच सबको दिखाया कि मिड डे मील नहीं, में मुरादाबाद दंगों नमक की बात चावल करेंगे किया जा त्रिपाठी रहा। साहब। अरे मैं वहीं आ रहा हूं, इनके असत्य और सत्य के परिभाषा को जरा परिभाषित कर दू। उस पत्रकार को जेल में डाल दिया इनकी योगी सरकार ने, शर्म आनी चाहिए। सच की बात तो अपना ही करो। मामला क्या है कि पूर्व वक्ता ने बताया कि कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह कायर लोग थे। कह दे अनिला जी, हो सकता है दिवंगत कल्याण सिंह जी को तो कह ही सकती हैं, क्योंकि तो जो बीत गया उनके लिए इनके मन में कोई भाव नहीं होता। वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार थी, उनका डायरेक्शन क्या है, बीपी सिंह के साथ सरकार भी बनाई थी 120 सांसदों की, नहीं ठीक है त्रिपाठी उनका साहब, क्या ठीक है इफेक्ट था? पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया ये हम मान लेते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने हिम्मत दिखाई इसके लिए आप लोग दाद देंगे क्या? इसके लिए शाबाशी देंगे? हिम्मत नहीं दिखाई, हिम्मत नहीं दिखाई, मुद्दों को भटकाना है, इसलिए योगी को ये सब नौटंकी दिखाना है। मामला क्या है कि इस रिपोर्ट के सार्वजनिक करने के बाद बता दीजिए कि इस पूरे उत्तर प्रदेश को क्या मिला? महंगाई में राहत, युवाओं को रोजगार, गिरती शिक्षा ठीक है। व्यवस्था में सुधार, 17,000 विद्यालय बंद हुए, उन 17,000 विद्यालयों के बदले कुछ नए विद्यालय बन गए। ठीक है। अनिला जी, हाँ अगर इतना ही आपको सच उजागर करने की बात है, तो 80 दिन तक
मणिपुर में आप ही की सरकार है, नेट काहे बंद किया था? चलिए आप दंगों की बात नहीं करेंगे, मुरादाबाद दंगों की नहीं बात करेंगे। के विक्रम राव जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आता हूं सर त्रिपाठी साहब, मैं आता हूं एक एक करके तमाम मेहमानों से पहले बातचीत कर लेते हैं, उनका व्यू जान लेते हैं। के विक्रम राव साहब, आपको क्या लगता है कि आखिर इतने सालों तक, इतने दशकों तक इस रिपोर्ट को क्यों दबा करके रखा गया, और मौजूदा सरकार पर जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि मुद्दों को भटकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जा रही है, कभी भी अगर आप ये रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे तो इस तरह के आरोप लग सकते हैं? कुंदन जी, पहले मैं एक बात अर्ज कर दूं, मैं साक्षी रहा हूं मुरादाबाद दंगों का जी। मैं गया था वहां, 5 रातें मैंने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बिताई है। शहर में होटल सब बंद थे, कर्फ्यू लगा था, और मैं वेजिटेरियन हूँ, खाने तक की दिक्कत हो रही थी वहाँ। 5 रातें गुजारी, बड़ी यादगार रातें थी, बड़ी कष्टदायक थी, दुखद थी। और उसके बाद जो लिखा मैंने, कई तथ्य एमपी सक्षम रिपोर्ट में भी मेरी बातें आई हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज 1 पे मेरी स्टोरी छपती थी उस वक्त। लेकिन यहाँ प्रश्न मेरा ये है कि 5-5 मुख्यमंत्री आज कटघरे में खड़े हो रहे हैं, क्यों किसी ने इसको उजागर नहीं किया? योगी जी ने किया, अच्छा क्या बुरा किया, क्या मकसद था, इंटेंशन क्या था, ये एक सवाल है। लेकिन क्या हो गया, पंडित नारायण तिवारी थे, विश्वास प्रभु इस्तीफा नहीं दिया, दंगे होते ही वीपी सिंह से इस्तीफे की मांग की गई थी, नहीं छोड़ा, रहे वो, और डाकुओं के मसले में गए वो इस्तीफा देके। और ये सबसे बड़ी बात कुंदन जी बताऊ आपको, इसमें इंदिरा गांधी का जो बयान था वो गौरतलब है जी। इंदिरा गांधी खुले तौर पे कहा था फॉरेन हैंड, पाकिस्तान का हाथ है, और मैंने लिखा भी था कि भारत का प्रधानमंत्री कह रही है कि फॉरेन हैंड है, तो ये गौरतलब थी। क्यों नहीं सरकारों ने बात की इस बारे में, जांच की? मुरादाबाद याद रखिए मुस्लिम लीग का हिस्सा, गढ़ था, म्यूनिसपैलिटी वहां कंट्रोल करते थे म्यूनिसपैलिटी के लोग, पीतल का शहर था। दो चीजें कुंदन जी तत्व थी जो एमपी शिक्षा रिपोर्ट में भी है, या पेट्रो डॉलर, तभी से भारत में आना शुरू हुआ था पेट्रो डॉलर, उसी पर नहीं था। और जितने लिखा ये सब छपी हुई चीजें हैं, हज लोग जाते थे लाइसेंस लेकर, नए नए अस्त्र लेके लौटते थे मुरादाबाद जी। वहां जो मैंने देखा बाद में अस्त्रों को, लेटेस्ट मोस्ट मॉडर्न वेपन्स थे जो सेना के पास भी नहीं थे, वो मुरादाबाद में पाए गए। कौन इसका जिम्मेदार है? भारत सरकार, इंदिरा गांधी, प्रदेश सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद पंडित नारायण तिवारी आए थे, क्यों नहीं किया? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो लोग क्यों सो रहे थे? 3-3 मुख्यमंत्री आए, क्यों नहीं इस रिपोर्ट को पेश किया? राजनाथ सिंह थे, कल्याण सिंह थे, ठीक, अच्छा सबसे बड़ी वो बहन कुमारी सुश्री मायावती, उसने क्यों नहीं इस बात को रखा? वो तो इस्तेमाल कर सकती थी मुसलमानों को भड़काने का, ठीक है। ये प्रश्न का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता मांग रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी प्रश्न का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं यूपी मांगे उत्तर में। अशोकधर द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोकधर द्विवेदी साहब, इस दंगों से जुड़ी हुई आपकी कौन सी यादें हैं, आप किस तरीके से इसे याद करते, क्योंकि आप तब आप सर्विस में रहे होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इन दंगों को लेकर के तब पुलिस महकमे में क्या चर्चा होती थी, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है दंगों को लेकर के निष्पक्ष कार्रवाई सत्ता पक्ष आपको करने देता है या नहीं देता है, ये इस पर सवाल उठते रहते हैं हमेशा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इतनी बात स्पष्ट कर दूं, एक तो श्री विक्रम राव साहब ने जो बातें बताई हैं वो मेरे लिए भी लाभप्रद हैं, और उन्होंने अपनी आंखों से वहां देखा है, रिपोर्ट किया है, तो वो अच्छी बात है। पुलिस अधिकारी के रूप में मैं स्वयं 1991 के पहली छमाही में एसपी सिटी मुरादाबाद पद पर तैनात रहा, और मैं स्वयं वहां पर ईद और बकरीद के त्योहार के दौरान पुलिस की व्यवस्था किया, शांतपूर्वक संपन्न हुए थे जी। मेरी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो ये है कि वो जनपद 1980 में ही नहीं बल्कि और 50 साल पहले से ही अत्यधिक संवेदनशील रहा है, तब भी रहा है और आज भी संवेदनशील है।